हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये बैग बनाएंगे। बैग बनाने के लिए मैंने सिंथेटिक कपड़ा लिया है। इसके हमें दो पीस चाहिए। कपड़े की लंबाई 16 इंच है और चौड़ाई 14 इंच है। कोई भी एक पीस ले लीजिए। 16 इंच वाले पार्ट में हमें सुई धागे से छोटे छोटे टाके लगाने हैं, स्टिचेस लगाने हैं। छोटे छोटे स्टिच लगाकर दूसरे साइड तक हम इस तरह सिल लेंगे। इसे पूरा सिलने के बाद धागे को हम हल्का फैलाएंगे। जितनी चौड़ाई हमें बैग की चाहिए उतनी दूर तक हम चुन्नट रखेंगे। मैंने इसकी चौड़ाई 11 इंच रखी है। बैग के दोनों पार्ट में हमें इसी तरह से चुन्नट डाल लेनी है। लाइनिंग के लिए हमें सेम साइज का कपड़ा लेना है। इसमें भी हमें चुन्नट डाल लेनी है। लाइनिंग के दोनों पार्ट में मैंने चुन्नट डाल ली है। अब हम बैग के स्ट्रैप्स बनाएंगे। स्ट्रैप्स के लिए मैंने 3 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा कपड़ा लिया है। इसी नाप की हमें लाइनिंग का कोई कपड़ा या फिर किसी भी तरह का एक कपड़ा लेना है। बीच में रखेंगे और दोनों साइड से मोड़कर हम इसे सिल देंगे। दोनों स्ट्रैप्स तैयार हो गए हैं। बैग के ऊपर लगाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी और 11 इंच लंबी स्ट्रिप ली है। इसे बीच से हम फोल्ड करेंगे। सेंटर देखेंगे। सेंटर के दोनों साइड हमें मार्क करना है। मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे हम बैग की स्ट्रैप लगाएंगे। इस तरह से स्ट्रैप को रखना है और सिलाई कर लेनी है। बैग के स्ट्रैप लग गए हैं। अब हम दूसरी स्ट्रिप को लेंगे, उसके ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। दोनों स्ट्रिप हमने सिल ली है। दोनों स्ट्रिप के बीच में हमें फोम रखनी है। फोम को हमें रखना है दोनों स्ट्रिप के बीच में और उस पर हमें सिलाई चलाकर इसे क्यूल्ट कर लेना है। इसे मैंने क्यूल्ट कर लिया है। दूसरा पीस भी इसी तरह तैयार कर लिया है। अब हम बैग के सारे पार्ट को जोड़ेंगे। जिस स्ट्रिप में हमने बेल्ट लगाई थी उसको हमें इस तरह से सिलाई करना है। जो चुन्नट वाला पार्ट है उसके ऊपर रखेंगे और हम इसको सिल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। इसे मैंने सिल लिया है। अब लाइनिंग का भाग भी हमें इसमें जोड़ना है। अब दूसरी तरफ से हमें लाइनिंग वाले कपड़े को लेना है, इसके ऊपर रखेंगे। जैसे हमने मेन फैब्रिक को जोड़ा था उसी तरह से हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। हमने सिलाई कर ली है। स्ट्रिप वाली जो स्ट्रिप है वो दोनों कपड़ों के बीच में आ गई है। इसी तरह हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब बैग के किसी भी एक पार्ट को फैला लीजिए। इसके ऊपर दूसरे पार्ट को भी हम रखेंगे। इस तरह रखेंगे कि दोनों सीधे भाग आमने सामने रहे और यहाँ से हमें सिलाई करनी है। तीनों साइड से हम इसे सिल लेंगे। इसे हमने सिल लिया है। अब हम इसका बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए दोनों साइड से 2-2 इंच पे हमें मार्क करना है। यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क किया है। अब इस किनारे से भी हमें 2 इंच पे मार्क करना है और हम एक बॉक्स बना लेंगे 2-2 इंच का। दूसरी साइड भी हमें ऐसा ही करना है। 2-2 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दोनों किनारों को पकड़ के हमें सिलना है। इस तरह पकड़ेंगे और सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इसे
पूरा स्टिच कर लेंगे। हमने बैक का बेस बना लिया है, अब हम लाइनिंग का भी बेस बनाएंगे। पहले तीनों साइड से सिलाई कर लेंगे, स्ट्रेप को दूसरी साइड कर लेंगे। अब हमें तीनों साइड सिलाई करनी है और इसका बेस बना लेना है। सिलते समय हमें थोड़ा सा कपड़ा खुला रखना है। सिलते समय हम थोड़ा सा कपड़ा खुला रखेंगे जिससे हम बाद में बैक को सीधा कर सकें। हमने इसे सिल लिया है और बेस को भी बना लिया है। अब जो खुला भाग है उसमें से हम बैक को सीधा करेंगे। जो हमने सिलाई खुली छोड़ी थी उसमें से हमें बैक को बाहर निकाल लेना है, सीधा कर लेंगे। इस तरह हमने बैक को सीधा कर लिया है। अब ये जो सिलाई खुली है उसे हम बंद कर लेंगे, सिल लेंगे। ऊपर की जो स्ट्रिप है उसे भी हम सिल लेंगे। अब हमारा बैग तैयार हो चुका है। बीच में आप इस तरह से बटन लगा सकते हैं, वेलक्रो लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।